आज हम साथ में जानेंगे कपालभाति कैसे करते हैं, क्यों करते हैं और किस समय करते हैं। अगर आप मेरा वीडियो ये पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन पे जरूर दबाएं ताकि आपको पता चल जाए कि कब मेरी नई वीडियो अपलोड हो रही हैं। नमस्ते योगीस, आशा करती हूँ कि आप अपना और अपने परिवार की सेहत का बहुत अच्छे से ध्यान रख रहे हैं। दोस्तों, हमारी दिनचर्या में हम ना चाहते हुए भी बहुत सारे टॉक्सिन्स को अपने शरीर में न्योता दे देते हैं। ये टॉक्सिन हमारे शरीर में जाके बीमारियां तो फैलाते ही हैं, पर हमारी इम्यूनिटी, जो हमारे रोगों से लड़ने की क्षमता होती है, उसको भी कमज़ोर कर देते हैं। अब आप सोच रहे होंगे दोस्तों कि ये टॉक्सिन्स आते कहाँ से हैं। ये टॉक्सिन्स आते हैं गंदी हवा से, गंदे पानी से, केमिकल से भरे हुए फलों और सब्जियों से, और उसके अलावा जो हम रोज़ाना कॉस्मेटिक इस्तेमाल करते हैं उनसे। योग में इन्हीं टॉक्सिन्स को अपने शरीर से बाहर निकालने के लिए बहुत सारी क्लींजिंग टेक्निक्स बताई गई हैं, क्रियाएं बताई गई हैं, जिनको हम कहते हैं षटकर्मा। आज जो क्रिया हम करने वाले हैं कपालभाति, वो षटकर्मा का ही एक हिस्सा है। बहुत सारे लोग इसे प्राणायामा कैटेगरी में भी डालते हैं, लेकिन एक्चुअली ये है एक क्लींजिंग टेक्निक। इसलिए कपालभाति का सबसे बड़ा जो काम होता है हमारे शरीर में, वो होता है हमारे फेफड़ों की क्लींजिंग करना, यानी कि शरीर में ऑक्सीजन को ज़्यादा से ज़्यादा भरने की क्षमता को बढ़ाना। दोस्तों, इसके अलावा मैं रिकमेंड करूंगी जो स्टूडेंट्स होते हैं वो कपालभाति ज़रूर प्रैक्टिस करें, क्योंकि ये हमारे दिमाग को बहुत ज़्यादा तेज करता है, कॉन्सेंट्रेशन यानी कि फोकस को बढ़ाता है। दोस्तों, जिन लोगों को साइनस या डायबिटीज़ की शिकायत है वो भी कपालभाति ज़रूर प्रैक्टिस करें। इसके अलावा दोस्तों, ये हमारे शरीर को एक्टिवेट करके ब्लड के सर्कुलेशन को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करता है, उसको उत्तेजित करता है। इसीलिए कपालभाति रिकमेंडेड होता है कि सुबह करें और सोने से पहले कभी उसको प्रैक्टिस ना करें, क्योंकि फिर आपको सोने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि कपालभाति हाई ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन वाले लोग नहीं कर सकते, लेकिन वो लोग भी कर सकते हैं, गिवन दैट कि आपकी स्पीड एकदम जो एक बिगिनर की तरह होती है उसकी तरह रहेगी। दोस्तों, कपालभाति आप किसी भी समतल ज़मीन पर आसानी से क्रॉस लेग पोजीशन में बैठ के कर सकते हैं। आपको आराम से समझ में आए इसलिए मैंने 3 स्टेप्स में कपालभाति को डिवाइड किया है। तो हम सबसे पहला स्टेप जो करेंगे उसमें हम ध्यान देंगे कि हमारी जो नॉस्ट्रिल है उसका क्या पोजीशन रहेगा, वो कैसे काम करेगी कपालभाति में। तो चलिए, आप मेरी सिर्फ नॉस्ट्रिल पे ध्यान दीजिए। अब आपने देखा कि मैंने इसमें एक स्ट्रोक दिया, मैंने बाहर की तरफ हवा फेंकी है। जब हमको जुखाम होता है तो हम स्नीज आउट करते हैं, ठीक है, या अपनी जब नाक को क्लीन करते हैं तो भी हम बाहर की तरफ हवा फेंकते हैं, जिससे हमारे अंदर का लिक्विड बाहर आए और नाक क्लीन हो। सेम उसी तरीके से हम कपालभाति में अभी हवा को बाहर फेंकेंगे। बस डिफरेंस इतना होगा कि इस वक्त हमें जुखाम नहीं है, तो हमारे चेहरे पे जो इमोशंस हैं वो खुशी वाले होंगे। तो हम सामने देखेंगे और बस हवा को बाहर फेंकेंगे। अब दूसरी चीज़ आती है कि हमने बाहर फेंकने वाली बात तो ध्यान दी, लेकिन जो सांस अंदर जा रही है उसका हम क्या करेंगे। बेसिकली उसका हमें कुछ भी नहीं करना है, जो सांस अंदर जा रही है जैसे नेचुरली जाती है वैसे ही जाती रहेगी। मैं आपको 2-3 बार करके दिखाती हूँ। आप आंख बंद करेंगे, चेहरे पे एक स्माइल। अब जो मैंने सांस अंदर भरी इस पे मैंने कोई फोकस नहीं किया, लेकिन जैसे ही सांस अंदर गई उसके बाद, अब जो बिगिनर्स होते हैं वो इसी तरीके से इतनी ही स्पीड रखेंगे, 2 या 3 सेकंड का बीच में गैप ले लें, बस उतना ही आप लोगों को करना है। दूसरे स्टेप में दोस्तों हम लोग बात करते हैं अपने पेट की, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो गलती होती है वो होती है कि जब सांस बाहर निकाल रहे हैं तो पेट अंदर जा रहा है कि बाहर जा रहा है। मैंने बहुत सारे लोगों को उल्टा भी करते हुए देखा है। बस एक ही चीज़ ध्यान रखिए, सांस बाहर तो पेट अंदर, ठीक है। तो मैं जब सांस बाहर फेंकती हूँ तो मेरे पेट की मसल्स ऑटोमेटिकली अंदर आएंगी, क्योंकि जैसे आपने बलून को देखा है उसमें जब हवा भरती है तो वो फैलता है, और जब हवा बाहर जाती है तो वो अंदर की तरफ कंप्रेस होता है, पिचक जाता है। तो जब मैंने सांस को बाहर फेंका तो मेरा पेट झटके से अंदर जाना चाहिए। अब यही चीज़ जब बार बार होगी तो हमारा पेट का मूवमेंट आगे पीछे होता रहेगा, ठीक है। अब तीसरी चीज़ की हम बात कर लेते हैं, वो है हमारा पोस्चर।
बस हमें ध्यान ये रखना है कि हमारा चेस्ट नीचे झुकेगा नहीं और कंधे इस तरीके से स्लाउच नहीं होंगे, वो हमेशा खुले रहेंगे। मैं आपको एक गलत प्रैक्टिस करके दिखाती हूँ कपालभाति की कॉमन मिस्टेक, और वो होती है कुछ ऐसे, लोग आंखें बंद करते हैं, कंधा नीचे धस जाता है, क्योंकि इतने कॉन्शियस हो जाते हैं तो फोर्स फेस पे भी नजर आता है और शरीर में भी, तो चेहरे लोगों के ऐसे हो जाएंगे, कंधे नीचे। नाउ ये इससे क्या हो रहा है कि गलत तो हो ही रहा है, आप स्ट्रेन भी बहुत ले रहे हैं, और जो कपालभाति के आई थिंक 100 फायदे हैं, मतलब बहुत ज्यादा फायदे हैं इस क्रिया के, वो फायदे आपको नहीं मिलेंगे। तो हमें स्ट्रेसफुल नहीं करना है, तो स्ट्रेसलेस रहेगा, कंधे रिलैक्स रहेंगे, चिन सामने रहेगा, फोकस रखें अपनी बेली के ऊपर, सांस बाहर, बेली हमारी जाएगी अंदर की तरफ। चलिए अब मैं आपको एक बार करके दिखाती हूँ बिगिनर्स के लिए, उन लोगों के लिए जिनको हाइपरटेंशन है। अच्छा, अब कपालभाति, अगर आपको स्ट्रोक आया है या आपके कोई हिप इंजरी हुई है या स्लिप डिस्क है, हार्निया है, और जो प्रेग्नेंट लेडीज हैं वो प्लीज़ ये प्रैक्टिस ना करें, ठीक है? तो सामने देखेंगे और मैं आपको करके दिखाऊंगी। हाथ हमारे इस तरीके से घुटने पर रखे रहेंगे, चेस्ट एकदम रिलैक्स रहेगा, और जो रूल्स हैं स्टेप 1 2 3 रखेंगे हम अपने दिमाग में, और कपालभाति साथ में प्रैक्टिस करेंगे। चलिए आंखें बंद कर लीजिए, सांस अंदर, अब आपको लगता है कि आपकी जो स्पीड है थोड़ी धीमी है, आपके अंदर गुंजाइश है कि आप थोड़ा तेज भी कर सकते हैं, तो आप वैसा भी करने की एक बार चेष्टा करें, लेकिन शुरू में आप 1 मिनट में 20 स्ट्रोक मारें, और उसके बाद धीरे धीरे ग्रेजुअली उसको बढ़ाएंगे। मैं थोड़ा सा आपको फास्ट वाला वर्जन भी करके दिखाती हूँ, लेकिन ये आप तभी करें जब आप एकदम कंफर्टेबल हैं तीनों स्टेप्स के साथ। 3 स्टेप्स ध्यान में रख के करेंगे, तब हम एडवांस वाले में आगे बढ़ेंगे। तो चलिए मैं आपको एडवांस वाला थोड़ा सा करके दिखा देती हूँ। हाथ वैसे ही रहेंगे, चेस्ट और चिन एकदम सामने। चलिए सांस सेम तरीके से अंदर लेते हैं, बट स्पीड थोड़ी सी रहेगी ज्यादा। कुछ इस तरीके से, लेकिन आप ये बिल्कुल ना करें, ये ना सोचें कि ज्यादा तेज करने से ही कपालभाति का असर होता है या फिर ज्यादा करने से होता है। बात क्वांटिटी की नहीं है, बात क्वालिटी की है। जितना ज्यादा आप रूल्स को और सही तरीके से करेंगे, जैसे कि बेली कब अंदर जा रही है, सांस कैसे बाहर छोड़ रहे हैं, कंधे कहीं हमारे टेढ़े तो नहीं हो रहे हैं, क्या हमारे चेहरे पे बहुत लकीरें आ रही हैं, या हम बहुत स्ट्रेस लेके कर रहे हैं, अगर ये सारी चीज़ें ध्यान में रख के करेंगे तो स्पीड से क्या लेना देना। अगर हम स्लोली भी जाते हैं, लेकिन धीरे 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 एडवांस की तरफ बढ़ेंगे। बहुत लोग आपको बोलेंगे, बहुत सारे कई लोग रिकमेंड भी करते हैं कि 1-1 मिनट में मैं 100 कर लेता हूँ या 90 करें, या इट डजेंट मैटर। सिर्फ एक ही चीज़ मैटर करती है, वो है सही तकनीक, और उसके बाद स्पीड तो आप तभी बढ़ सकती है जब आप डेली उसको प्रैक्टिस करेंगे। आई गेस आपको ये मेरा वीडियो समझ में आया होगा। आशा करती हूँ कि आप अच्छे से कपालभाति प्रैक्टिस करें। अगर आपके जहन में कोई भी किसी भी तरीके का फीडबैक या क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में प्लीज़ उसको लिखें। तो चलिए फिर मैं आपसे दोबारा मिलती हूँ किसी और टॉपिक के साथ।